आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग को सिखाने वाला हूं ईमेल आईडी या जीमेल आईडी कैसे बनाया जाता है और बनाने का इसका सही तरीका क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है बात करने वाला, तो आप लोग आसानी से भी ईमेल आईडी या जीमेल आईडी बना सकते हैं। लैपटॉप मोबाइल सभी चीज़ से होता है, तो आप लोग को मैं इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। कहीं आपको कंप्यूटर की दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद से ईमेल आईडी, एक यूनिक ईमेल आईडी, अच्छा ईमेल आईडी बनाना सिखा देंगे आप लोगों को, और वो भी याद रहेगा आप लोगों को सभी दिनों के लिए कि ये मेरा ईमेल आईडी है, इसका पासवर्ड ये है। बहुत आदमी ईमेल आईडी तो बना लेता है लेकिन 5 दिन के अंदर ही भूल जाता है, तो ऐसा नहीं मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। मैं बताऊंगा एक अच्छा ईमेल आईडी किस प्रकार बनाया जाता है कि आप लोग को कभी नहीं वो भूल सकते हो। तो चलिए अब वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, ये डाउनलोड सिंपली आप लोगों को कर लेना है। कौन एप्लीकेशन, यहाँ पर देख लीजिए जीमेल लिखा हुआ ये, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में चले जाना है, जीमेल आईडी आप लोग को सर्च कर लेना है और सिंपली ये लोड कर लेना, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, सिंपली ये लोड कर लेना। अगर ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप लोग को ये ऑलरेडी सभी के मोबाइल में पहले से डाउनलोड रहता है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्ले स्टोर से भी जाकर ईमेल आईडी बना सकते हो। सभी चीज़ इसमें मैं बारीकी बारीकी से बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए ये एप्लीकेशन लोड करने के बाद आप लोगों के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जीमेल जो लिखा हुआ है ये ओपन करना है लोड करने के बाद। अगर लोड नहीं है तो फिलहाल सभी के मोबाइल में ये पहले से लोड होता है, क्योंकि इसके बिना कोई मोबाइल चल ही नहीं सकता है। जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल है या एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी जीमेल आईडी पर पहले से चलता आता रहता है। अगर जीमेल आईडी वो नहीं है तो मोबाइल नहीं चल सकता है, इसीलिए जीमेल आईडी सभी के मोबाइल में रहता है या ईमेल आईडी। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ईमेल आईडी और जीमेल आईडी दोनों सेम हुआ, तो आप लोगों को मैं इसमें फुल डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए सिंपली इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों के इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप लोग यहां पर आसानी से देख सकते हो। ये सिंपली आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल के ये लोगो होगा, अपना जो लोगो लगा होगा, यहां पर कोई अगर फ़ोटो सेट किया है तो फोटो दिखाई देगा, अगर नहीं है तो यहां पर जिसके नाम से जो हो जीमेल आईडी वहाँ पर एम या के या भी जिसके नाम जो हो वो लिखा हुआ होगा। यहाँ पर लोगों पर सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्लिक कर देना है। अगर जीमेल आईडी नहीं है तो मैं दूसरे तरीका से भी बताऊंगा, तो वो आसानी से बना सकती हूँ। उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर देख लीजिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देख लीजिए प्लस यहाँ पर है, प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है यहाँ पर, या एड अनदर अकाउंट, इस पर सिंपली आप लोगों को नया ईमेल आईडी बनाने के लिए आप लोगों को इस पर सिंपली क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिखाई देगा जो पहले से आप लोगों को मोबाइल में होगा, जो मोबाइल से आप लोग ईमेल आईडी बनाते हैं उसके मोबाइल में पहले से ये सेव होगा एक ईमेल आईडी। उसके बाद अगर दूसरा किसी का बनाना है या कोई भी चीज़ के लिए, चाहे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, चाहे जो भी करने के लिए, किसी दूसरे के मोबाइल में लगाने के लिए, तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को सबसे पहले इस पर एड एनोदर अकाउंट पर सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और सिंपली आप लोगों को सबसे पहले गूगल वाले पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों का इंटरफेस इस प्रकार का आएगा, जैसे कि आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार क्या आता है। यह इस प्रकार का चेकिंग इन्फॉर्मेशन लेगा, और चेकिंग इन्फॉर्मेशन के बाद आप लोगों को ये पासवर्ड मांगा जाएगा कि अगर आपके मोबाइल में कौन सा पासवर्ड सेव है, तो अपने मोबाइल में जो भी पासवर्ड हो वो सेव कर लेना। जैसे कि जिसका मोबाइल में अगर पैटर्न लगा है तो पैटर्न होगा, जिसके पास अगर अंक वाला सेट किया है तो अंक वाला मांगेगा, तो वो अपना मोबाइल का लॉक सिंपली खोल लेना। जैसे कि मैं अपने मोबाइल का लॉक खोल कर आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली पैटर्न खोलने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, अपने आप चेकिंग लेगा, और सिंपली जो अब लॉक खोलते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार के दिखाई देगा, और सिंपली इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर गूगल साइन इन, उसके बाद यहाँ पर देख दीजिए ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर। यहाँ पर नहीं आप लोगों को कुछ करना है, बल्कि यहाँ पर करना है क्या कि क्रिएट अकाउंट, यानी नया ईमेल आईडी बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग को क्रिएट अकाउंट पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोगों को पहले ईमेल आईडी मालूम है, अगर उसका पासवर्ड मालूम नहीं है, तो सिंपली आप फॉरगेट पासवर्ड करना, सिंपली आप लोगों को वो ईमेल आईडी के साथ पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा। इसमें मैं दो तरीका से ईमेल आईडी बनाना सिखाऊंगा, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो भी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो भी बना सकते हैं। चलिए सिंपली पहले बनाने जा रहा हूँ ईमेल आईडी किस प्रकार एक अच्छा ईमेल आईडी बनाया जाता है। सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ दो तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर फॉर माई सेल्फ और टू मैजन माई बिजनेस। आप लोग को सिंपली ऊपर वाला पर क्लिक करना है, माई सेल्फ पर, फॉर माई सेल्फ, उस पर क्लिक कर देना है। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई आदमी है, अगर कोई बिजनेस करने वाला है, जैसे कोई व्यापारी होता है ये करने वाला है, तो सिंपली नीचे में करना।
नहीं तो सभी आप अपने ऊपर वाला पे ही सेट करना है। जो भी स्टूडेंट है अगर मोबाइल में बनाना चाहते हैं तो सिंपली ऊपर वाला में। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम और लास्ट नाम पूछा रहा है, तो अपना नाम जो भी है इसमें, जैसे किसी का नाम है रोशन कुमार, या चलिए मैं किसी एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुमार है, तो कुमार इसमें सिंपली लिखना है, अपना नाम ऊपर में लिखना है, नीचे में कुमार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ गलत हो चुका है नाम लिखने में, ये लिख देना है सिंपली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुमार, अगर ज़्यादा मन डाले तो वो भी इसमें थोड़ा हटा कर, जैसे कि ज़्यादा है तो इसमें सिंपली आपको इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार आप लोग को नाम लिखना है। पहला नाम जे जिसके नाम से ईमेल आईडी बनाया जाता है वो नाम लिखना है। अपना ईमेल आईडी कुछ भी बना सकते हैं, ये नहीं कि आपके नाम से ही ज़रूरी है। एक यूनिक ईमेल आईडी बनाना सिखाने जा रहा हूँ आपको, सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट है, अगर ये एक बार देख लेते हो तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा कहीं कभी भी किसी भी वक्त। तो चलिए सिंपली आप यहाँ पर पूछ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, इंटर एड योर डेट ऑफ बर्थ, यानी आप लोग का जन्मतिथि क्या है, वो अपना आधार कार्ड से देख कर फिल कर लेना है, या अपने मन से भी कुछ दे सकते हैं। जैसे कि 1 जनवरी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1-1 यानी 1 तारीख, यहाँ पर पहले मंथ है, यहाँ पर देख लेना। किसी के मोबाइल में पहले डेज भी आ जाता है तो उस प्रकार अपना सेलेक्ट करना है। किसी के मोबाइल में पहले ईयर भी आ जाता है तो उस प्रकार अपना सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरे मोबाइल में पहले महीना है, उसके बाद दिन है, उसके बाद ईयर, तो सिंपली जैसे कि 1 जनवरी 1 तारीख और 2000 दे देता हूँ यहाँ पर। जितना इस भी है आपका डेट ऑफ बर्थ वही देना, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लिया आप लोग को। इसके बाद नीचे में आएगा जेंडर, जेंडर में सेलेक्ट क्या करना है, अगर लड़की है तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फीमेल सेव कर देना, अगर लड़का है तो सिंपली आप लोग मेल करना। जैसे कि लड़का का लिए मैं बना रहा हूँ तो मेल सिंपली सेट कर देना। मेल सेट करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा अपने आप, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद कुछ इस प्रकार के यहाँ पर देख सकते हैं, सर्चिंग ले रहा है। अच्छा, आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दिया होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है। और सिंपली यहीं पर प्रॉब्लम स्टूडेंट या कोई आदमी कर जाता है कि कैसे ईमेल आईडी बनाया जाए, तो यहीं पर मेन फोकस देने वाली बातें हैं कि किस प्रकार ईमेल आईडी बनाए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रोशन, तो अपना ईमेल आईडी किस प्रकार यूनिक ईमेल आईडी बनाया जाए, अपना नाम से खुद ही ईमेल आईडी बनाई। जैसे कि नाम मैं यहाँ पर लिखा था वही नाम देना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्मॉल में ही नाम लिखना है। जैसे कि अपना नाम यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद ईमेल आईडी, अच्छा ईमेल आईडी की याद रहे सभी दिन। उसके बाद क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डाल देना है। जैसे कि इसका डेट ऑफ बर्थ है 1-1-2000, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये ईमेल आईडी हमें आसानी से यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। और सिंपली अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है, यही सिर्फ इतना ही लिखना है, अगर आपका जो भी नाम है वो लिख देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख लेना। अगर वो भी सेलेक्ट नहीं होता है तो कोई एक अच्छा अंक उसमें चूज कर लेना, या मोबाइल नंबर ही खुद 2-4 अंक शुरू का या लास्ट का दे देना, वही कोई दिक्कत नहीं है। ये बल्कि एट द ग्रेट आर जीमेल नहीं देना, पहले से फिल रहता है, ये अपने आप आएगा। आप लोग को कुछ नहीं, सिर्फ इतना देना है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है, आपके पास मोबाइल है उस पर OTP जाएगा, तो सिंपली आप यूज मोबाइल नंबर कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर सिम टिम कुछ नहीं है तो सिंपली आप बिना मोबाइल नंबर का भी खुद कर यहाँ पर नेक्स्ट करके आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए मैं पहले ही यहाँ पर मोबाइल नंबर पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, मोबाइल नंबर मेरे पास है तो सिंपली मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जो मोबाइल जिस मोबाइल से आप ईमेल आईडी बना रहे होंगे वो मोबाइल सिंपली आसानी से आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग को इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर जिसका ईमेल आईडी बना रहे उसका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर सिंपली लिख देना, जैसे कि मैं लिख देता हूँ उसका ईमेल मोबाइल नंबर। और सिंपली आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अगर नहीं है तो खुद वहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते थे, आप लोग को मोबाइल नंबर नहीं मांगता। यहाँ पर सिंपली आप क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर थोड़ा गलत कर दिया हूँ, OTP नहीं आएगा वैसे। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर सही करता हूँ फिर से, चलिए मैं सही कर चुका हूँ। और सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पर साइन अप विद मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि ईमेल आईडी ऑलरेडी बन चुका है। अब ईमेल आईडी बन चुका है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद नीचे कर देना है। नीचे कर देने के बाद आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं, या आप अगर चाहते हो कि इस मोबाइल में सेव कर दें ईमेल आईडी, तो सिंपली आई एग्री पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर आना जरूरी था। यहाँ पर देख लीजिए, पासपोर्ट भी सेव करना पड़ता है। पासपोर्ट में क्या सेव करें,
सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर दीजिए, या आपके पास मोबाइल नंबर है तो अपना मोबाइल नंबर सेट कर दीजिए, या कुछ एक अच्छा पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर या कुछ चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ही सेव करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं यही पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए किस प्रकार मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देख लीजिए यही मेरा पासवर्ड रहेगा इसका, इस ईमेल आईडी का। जैसे कि आप लोग को मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये मेरा खुद रहेगा, मैं अभी चेंज करूँगा आप लोगों को सामने। यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए ये ईमेल आईडी का पासवर्ड दिखा रहा हूँ किस प्रकार बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आसानी से मैंने यहाँ पर पासवर्ड दोनों में सेम भरना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर आप कन्फर्म करना है, यहाँ पर जो ऊपर में डालोगे वही नीचे में डालना। अगर कुछ अच्छा पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो इसमें सिंपली आप लोग को क्या करना है, अर्जे ग्रेट लगा देना है ये वाला, और कुछ एम टैम जो नाम है अपना कैपिटल में कुछ लिख देना है। जैसे कि आप लोग को मैं करके दिखा रहा हूँ, सेम चीज़ दोनों में डालना है। जैसे कि इसमें भी यही डालूँगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है ऊपर में, एम टी यू यू, ये डाल दिया मैं आप लोग को दिखाने के लिए। सिंपली आप यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट कर देना। चलिए मैं पासवर्ड चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अलग पासवर्ड सेव करके यहाँ पर आप लोगों को मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ, कि जैसे कि आप लोग पासवर्ड के साथ कुछ मेरे ईमेल आईडी के साथ छेड़खानी नहीं करें, इसलिए सिंपली आप लोगों को अब क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। चलिए जैसे कि मैं नेक्स्ट कर चुका हूँ, नेक्स्ट करने के बाद कुछ आप लोगों की इस प्रकार का ईमेल आईडी ऑलरेडी बन चुका है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर दिखाई दिया होगा, जो मोबाइल नंबर उसमें दिए हो, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये ईमेल आईडी आप लोगों को हो चुका है। यहाँ पर ये ईमेल आईडी, यहाँ पर देखिए नाम, जिसका नाम था वो ऊपर में, नीचे में उसका ईमेल आईडी जो कि यहाँ पर बनाने के वक्त दिए थे, या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी। अगर आप लोगों के पास वो ईमेल आईडी सपोर्ट नहीं लेता है तो सिंपली आप लोग के पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि ये आप लोग ईमेल आईडी रख सकते हो। तो आप लोग को अगर ये भी नहीं रखना है तो सिंपली क्या करना है, फिर से चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो सेलेक्ट नहीं लिया तो सिंपली मैं एडिट कर लेता हूँ, एक अच्छा ईमेल आईडी फिर से बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा गलत हो चुका था कि वो पहले कोई आदमी बना चुका है। अगर बना लिया, आप लोग को एक मालूम होना चाहिए कि एक ईमेल आईडी सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है, दूसरा उसी सेम ईमेल आईडी उसी नाम से नहीं बना सकते हैं। नाम से बना सकते हैं सेम नाम से, लेकिन एक ईमेल आईडी नहीं। चलिए मैं कुछ अलग नेम यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ मनीष। लिखने के बाद कुछ मैं यहाँ पर 2299 लिख देता हूँ, ये मेरी ईमेल आईडी बना लेता हूँ। अपने नाम से कोई हिसाब से रख लेना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये देने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ एनोदर कोई ईमेल आईडी ये पहले बना चुका है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक और एक हम डाल देते हैं। कुछ ईमेल आईडी बना सकते हो अच्छा, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग को मैं अभी दिखाया ये ईमेल आईडी बनाकर 2299 देकर, देख लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। सिंपली आप लोगों को अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है, हो गया आप लोगों का ईमेल आईडी। यही ईमेल आईडी बनाने का आसान तरीका था और कुछ नहीं था, और सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हो गया। यहीं आई एग्री करना है, एग्री करने के बाद आप लोगों को आसानी से ईमेल आईडी बन जाएगा, और सिंपली अपने मोबाइल में वो ईमेल आईडी और पासवर्ड सिंपली सेव करके रख लेना है, किसी मोबाइल नंबर या किसी कॉपी पर लिख कर वहीं सभी चीज़ सभी जगह देना है। पासवर्ड याद रखना है, किसी मोबाइल में आप खोलोगे तो आसानी से वो ओपन हो जाएगा पासवर्ड के द्वारा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे है तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम में ज़्यादा शेयर करें। अगर सबसे पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि पल पल का अपडेट हमेशा इस चैनल पर आता रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यू ईमेल आईडी बनाए हैं वहाँ पर आ गया, यहाँ पर देख लीजिए। अगर दूसरा ईमेल आईडी भी रहता तो यहाँ पर पहले दिखाई दिया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये ईमेल आईडी फिलहाल मैं आप लोगों को बनाकर दिखा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।